हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अनिकेत टेक। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ एयरटेल का जो 49 वाला प्लान आता था, जिसमें आपको 38 रुपये 52 पैसे का टॉक टाइम मिलता था प्लस 100 MB डेटा मिलता था। दोस्तों, खबरें ऐसी आ रही हैं कि ये फिर से प्लान रीलॉन्च हो सकता है। क्या है इसके पीछे की सच्चाई और क्या है इसके पीछे की अफवाह, ये सारी कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली नए नए टैक्स रिलेटेड अपडेट आपके लिए लाता रहता हूँ। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, तो जो अभी 49 रुपये वाला प्लान है वो 2 महीने पहले जुलाई में बंद हो गया था। तो जुलाई में ये प्लान बंद हुआ था, तो उसके बाद से एयरटेल की वेबसाइट पर अभी तक ये 49 रुपये वाला प्लान शो कर रहा है, चाहे ऐप पर हो चाहे वेबसाइट पर हो, दोनों जगह ये शो हो रहा है। तो ऐसे में कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा है कि क्या ये प्लान अभी वर्क कर रहा है, क्योंकि जब आप रिचार्ज करते हैं तो रिचार्ज नहीं होता है, लेकिन वो प्लान शो किया करता है। तो क्या इसके पीछे ये माना जाए कि ये फिर से लॉन्च हो जाएगा, इसी चीज़ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, जो एयरटेल से इसके बारे में जब पूछा गया कि जो आपका जो 49 रुपये वाला रिचार्ज है, जिसमें आपको 38 रुपये 52 पैसे का टॉक टाइम मिलता है प्लस 100 MB डेटा मिलता है, क्या ये प्लान आप फ्यूचर में फिर से रिलॉन्च करने वाले हैं? तो दोस्तों, एयरटेल ने जो जवाब दिया है वो ये कि जो ट्राई का नियम है, उस हिसाब से जब कोई प्लान जब चालू होता है और बंद होता है, उसके 6 महीने के बीच में उसके प्राइस में कोई न तो आप बढ़ा सकते हैं उसको, ना उसको कम कर सकते हैं, प्राइस में कोई चेंज नहीं कर सकते आप 6 महीने तक। तो दोस्तों, उसी का नतीजा है कि आज भी एयरटेल के वेबसाइट पे वो चीज़ शो हो रही है, क्योंकि 6 महीने से पहले उसको हटा भी नहीं सकते अपनी वेबसाइट से, उस प्लान को, ना तो ऐप से ना तो वेबसाइट से। इसीलिए वो 49 रुपये वाला प्लान अभी भी आपको एयरटेल की वेबसाइट पर शो कर रहा है, लेकिन रिचार्ज करेंगे तो रिचार्ज नहीं होगा, क्योंकि एयरटेल ने साफ साफ अब कह दिया है कि नहीं, ये 49 रुपये वाला प्लान फ्यूचर में कभी भी अब रिलॉन्च नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, ये थी इससे जुड़ी हुई अफवाह। तो आपको जानकारी कैसी लगी बताना बिल्कुल ना भूलिए, और मेरे चैनल पहली बार आया हो तो यार सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।